रिपोर्ट्स आ रही है। हत्या के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया। दरअसल चाकू मारकर हत्या की गई थी, दो बदमाशों के बीच ये विवाद हुआ था। बदमाश मुरली के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। इंदौर से सामने आया ये पूरा घटनाक्रम, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है और प्रशासनिक स्तर पर ये कार्रवाई अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करके की गई है। और इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां चाकू मारकर हत्या की गई थी, दो बदमाशों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद आरोपी के घर जिसने चाकू मारा उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इंदौर से पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां हत्या के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल चाकू मारकर एक बदमाश ने दूसरे की हत्या कर दी थी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए मुरली के जो कि आरोपी है अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। और दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां प्रशासनिक कार्रवाई होते हुए और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसका इस पूरा ये प्रतिफल है। ये चाकू मारकर हत्या करने वाला मामला और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और अब प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई। इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था जहां चाकू मारकर एक बदमाश ने दूसरे की हत्या कर दी थी। और बढ़ते आगे आपको बता दें, नीमच में नगर परिषद जीरन के दारोगा की पिटाई का एक मामला सामने आया जहां सफाई कर्मचारी ने चप्पल से इसकी पिटाई कर दी। अब पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दारोगा सफाई कर्मचारी ने दारोगा पर केस दर्ज करा दिया है। पति ससुर को उधार पैसे देने पर नाराज थी। नीमच का ये पूरा मामला है और यहाँ पर नगर परिषद जीरन के दारोगा की पिटाई की गई है। सफाई कर्मचारी ने चप्पल से दारोगा की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीर, ये सफाई कर्मचारी है और ये सामने दारोगा, इसकी पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अब शाजापुर में एसआई ने हंगामा किया है, शराब के नशे में होटल में हंगामा किया। दरअसल होटल संचालक से बदसलूकी किए जाने का ये पूरा मामला, घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दरअसल एसआई को एसपी ने अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सस्पेंड कर दिया है और इस पूरे मामले में घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है वो आधार बना। और ये देखिए लाल घेरे में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें शराब के नशे में होटल में हंगामा करता आरोपी नजर आ रहा है। आरोपी एसआई के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। शाजापुर का ये पूरा मामला जहां होटल संचालक से बदसलूकी के मामले में कार्रवाई की गई सीसीटीवी वीडियो के आधार पर। और अगली खबर सिवनी से जहां छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की। दरअसल हॉस्टल प्रशासन पर बदसलूकी किए जाने का आरोप भी लगाया है। आदिवासी छात्रावास बोरदई का मामला है और छात्रा का जिला अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की है, प्रशासन जो है हॉस्टल प्रशासन उन पर बदसलूकी का आरोप लगा है और फिलहाल जो है अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां स्कूटी से 90,000 रुपए चुरा लिए गए। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि एक ने चोरी की, दूसरा पहरा दे रहा था। व्यापारी के स्कूटी से 90,000 रुपए चोरी किए जाने का यह पूरा मामला, जिसमें सीसीटीवी वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है। और ये दरअसल वही वीडियो है जहां एक स्कूटी पर बैठकर दूसरी स्कूटी से ये देखिए रुपए की थैली निकाली और यहां से ये
रफ चक्कर हो गया। और ये ग्वालियर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूटी से एक व्यापारी के 90,000 रुपए चोरी किए जाने का ये पूरा घटनाक्रम है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो में चोर डिक्की से पैसे निकालता हुआ दिखाई दे रहा है, और जबकि इसका साथी पहरा दे रहा है कि कोई बाधा ना आए इनके इस कृत्य को अंजाम देने के दौरान। ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और कोंडा गांव में केशकाल घाटी में भूस्खलन हुआ। दरअसल तेज बारिश के बीच सड़क पर एक बड़ी चट्टान आ गिरी और इस दौरान हादसा होने से बच गया। तेज बारिश की वजह से चट्टान नहीं हटाई जा सकी। हादसे से बचने के लिए चट्टान पर रेडियम लगा दिया गया है, ताकि रात में वो रिफ्लेक्ट करे और लोगों को आवाजाही में परेशानी तो हो रही है, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए इसे रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। और ये देखिए, ये भारी बारिश का असर है, जो पहाड़ों में भूस्खलन या चट्टानों का गिरना अब आम सी बात हो गई है। बिल्कुल, और ये बड़ा सा चट्टान आप देख सकते हैं बीच सड़क पर कैसे आ गया है। बड़ा हादसा होते होते टला, वो तो गनीमत रही कि कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी या कोई भी राहगीर यहाँ से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तेज बारिश की वजह से जो है चट्टान को नहीं हटाया जा सका अब तक। हादसे से बचने के लिए चट्टान पर रेडियम लगा दिया गया है, ताकि अंधेरे में भी यह पता चले कि यहाँ पर कुछ है। धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल हुई है और हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश वापस लिए जाने की मांग की गई थी और कोर्ट से 1 अप्रैल को आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। और यहां मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच पर रोक लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इस पूरे मामले में अब 1 अप्रैल के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। भोजशाला का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। एसआई की टीम ने 2000 पन्नों की पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 151 पन्नों की मुख्य जो एक समरी रिपोर्ट है वो भी तैयार की गई है। और ये खबर खंडवा से, जहां फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। दरअसल फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों पर मोगट रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि 4 लोगों पर ये केस दर्ज हुआ है। मोहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया था, बजरंग दल ने इस पर शिकायत की थी। ये 2 तस्वीरें, एक तो कार्रवाई की और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए मुहर्रम के मौके पर कुछ लोग नजर आए। हालांकि इन 4 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और केस दर्ज किया गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों द्वारा लहराया गया और जिसके कारण आसपास काफी आक्रोश की भी और स्थिति हुई और खंडवा शहर में कहीं ना कहीं उसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द की भी स्थिति बिगड़ने की पूरा अंदेशा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की और जांच के बाद ये तथ्य आया है कि 4 युवक थे जो इन्होंने एक राय होके इस तरह का कृत्य किया था, जिस पर से थाना मोगट में धारा 196(1) और 2 के भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दरअसल कोल केस में ईओडब्ल्यू ने 6,000 से ज्यादा पन्नों की चालान पेश किया है। आरोपी मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे और राहुल कुमार सिंह मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और समीर बिश्नोई की भी कोर्ट में पेशी हुई। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 10,000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। आरोपी सतीश चंद्राकर, अर्जुन सिंह यादव, भीम सिंह यादव, चंद्रभूषण वर्मा, सुनील दम्मानी समेत 10 आरोपी भी कोर्ट में पेश किए गए। अब माननीय न्यायालय जो आदेश करता है वो भी अभी आदेश होगा, पता चलेगा। अभी तक आदेश हुआ नहीं है, मगर हमने आपत्ति की है वहाँ पे कि अभियोजना नहीं ली जा सकती। कॉपी अभियुक्त को मिली चाहिए,
वो कर दी है धमका दी, उन्होंने अपनी चार्जशीट कम्प्लीट करके पेश कर दी है, जो जो अभी अरेस्ट में रिसेंटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई जारी है। अभी हमको सब कुछ बुधवार को होगा, कितने बंदों का चला है, क्या सबूत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं, अभी अभी कुछ उसकी कॉपी नहीं। और बिलासपुर में मलेरिया का कहर जारी है। दरअसल कोटा में मिले तीन और नए मरीज से हड़कंप मच गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 17 हो चुकी है। मलेरिया से अब तक 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हुई है, 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की भी मौत हुई थी और मां की भी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि उन्हें सिम्स रेफर किया था और बिलगहना के काली माटी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है मलेरिया। अब यहां एक दैत्य की तरह लोगों को निगल रहा है। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया जहां मलेरिया लगातार पैर पसार रहा है। और इधर बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। झोला छाप डॉक्टर्स की 2 क्लिनिक्स को यहां पर सील कर दिया गया। कोटा ब्लॉक में यह क्लिनिक चल रहा था। 2 दिन पहले मलेरिया से पीड़ित 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। झोला छाप डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। तो खबर का असर एक बार फिर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए न्यूज 18 ने इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से ये सीलिंग हुई है, आगे और लोगों की जान न जाए, नीम हकीम खतराए जान न बन जाए, इसलिए जरूरी कार्रवाई। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 5 लाख के तेंदुआ खाल भी बरामद हुआ है। दरअसल 2 आरोपी छत्तीसगढ़, 4 ओडिशा के रहने वाले हैं और यहां अमरावती वन परिक्षेत्र के पिरमिंडा से गिरफ्तारी हुई है। और ये वन अधिनियम का उल्लंघन तो इन्होंने किया ही। मिरमिंडा की ये गिरफ्तारी, यहां पर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी होने के बाद खुलासा कुछ और भी हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि इनके पीछे कुछ और लोग भी हैं जो इस तरह की कार्रवाई करने के लिए इन्हें लालच देते हैं और अच्छे खासे रुपए भी इन्हें तेंदुआ खाल के दिलवाए जाते हैं। ऐसे में तेंदुओं की जान के दुश्मन अब पुलिस की गिरफ्त में है। और कोंडागांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने नक्सली सामग्री का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। कुदाड़वाही की पहाड़ी पर नक्सल सामग्री मिली है। पुलिस को एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो वही जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्यमी जुटेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर्स पर ये फोकस रहेगा, जिसमें एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म, गारमेंट्स क्लस्टर पर चर्चा होगी। और कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये सभी आज इस कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। जब जबलपुर में संस्कारधारी में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें उद्यमियों के जुटने की जानकारी मिल रही है। और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट और प्रदेश की उद्यमशीलता को मजबूत करने का ये एक बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। और 5 सेक्टर्स पर विशेष फोकस रहेगा, जिसमें एग्रो यानी खेती और खनन और सुरक्षा, पर्यटन और कपड़ा उद्योग के विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें करीब 3,500 इन्वेस्टर्स वहां मौजूद होंगे। तो रोजगार के नए आयाम यहां पर खुलते नजर आ सकते हैं और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने, शुभारंभ करने पहुंचेंगे। और 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास दर में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है।
सीएम ने कहा है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। और सीएम ने उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया और कहा कि यहां अच्छा रिस्पांस मिला था। उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए। और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक और औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूँ और प्रशासन को बधाई देता हूँ जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, जबलपुर संस्कारधानी में सभी जुटने वाले हैं और आज एक बड़ा दिन रहेगा प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखें, रोजगार के लिहाज से भी देखें। तो निश्चित तौर पर देखिए आशीष, आज महाकौशल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से इस पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज लगे, बड़े उद्योग यहाँ पे डेवलप हो, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके, यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े, दूसरे बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। तो आज का जो दिन है वो इस पूरी मांग को लेकर, इस पूरी ज़रूरत को लेकर, इस आवश्यकता को लेकर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि संस्कारधानी में जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो हो रहा है। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहां पर आएंगे और इसके अलावा देश विदेश के 3,500 से ज्यादा जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आज जबलपुर पहुंचने वाले हैं। और यहां पर खासतौर पर जिन 5 बड़े सेक्टर्स को चिन्हित किया गया है जिनमें अच्छा खासा निवेश आने की संभावना है, उसमें डिफेंस है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स है, माइनिंग्स है, तो ये तमाम सारे जो वो सेक्टर्स हैं अलग अलग जो फोकस में आज दिन भर रहने वाले हैं। क्योंकि अगर जबलपुर की बात करें या महाकौशल इलाके की बात करें तो नर्मदा वैली के किनारे ये पूरा क्षेत्र जो है वो बसा हुआ है। नर्मदा जी के होते हुए यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर है क्योंकि जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट है। इसके अलावा आसपास रीवा और अन्य शहरों में भी जो हवाई पट्टियाँ हैं वो लगातार डेवलप हो रही हैं। ट्रेन की बहुत अच्छी यहाँ पर कनेक्टिविटी है क्योंकि जबलपुर खुद एक बड़ा जंक्शन है, और जबलपुर के बाद अगर आप रीवा जाते हैं, सिंगोली जाते हैं या फिर विंध्य का इलाका भी यहाँ से लगा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से कवर अप होता है। तो रेल कनेक्टिविटी देखें तो वो भी बहुत शानदार है, और अगर आप रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत बेहतर है। चारों तरफ से जो 4 लाइन्स हैं, जो स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट रहा है और अन्य बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं रोड डेवलपमेंट के, उनके तहत यहाँ पे काम हुआ है। तो इंडस्ट्रीज के लिहाज से बहुत ही मुफीद ये पूरा इलाका है, और यहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को भी सीधा इसका लाभ मिलेगा, यहाँ के युवाओं का सीधा लाभ मिलेगा, यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसमें सोने पर सुहागा का काम करेगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो वही भोपाल में आज बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक होगी, जिसमें कि संघ संगठन और सरकार के प्रमुख नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा यहां मौजूद रहेंगे। जबलपुर से लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होगी, सरकार के कामकाज को लेकर भी रणनीति बनेगी।
और मध्य प्रदेश में जयस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल महेंद्र कन्नौज अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयस के संस्थापक नेता है महेंद्र कन्नौज और जयस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे, वीडी शर्मा भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। अपनी एक अलग पहचान बना करके लगातार निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के नाते आपकी पहचान है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि आप ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के आपने अपनी भूमिका तय की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हम लोग आंदोलनकारी है लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। तो वहीं देवास में बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल सांसद ने इस विषय में पुलिस को शिकायत दी और सांसद का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से किसी ने फोन किया और अब शब्द बोलने के बाद जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।